स्टीरियो आइसोमर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स की सीरीज में ये एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। कॉलम वन में पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैं और कॉलम टू में उनका रिलेशन है, ठीक है ना। आइडेंटिकल भी एक ऑप्शन है, ठीक है। तो जरा देखते हैं, जैसे ए में ये दोनों कंपाउंड्स हैं, बी में ये दोनों कंपाउंड्स हैं, ऐसे पेयर में बने हुए हैं, इनका रिलेशन बनाना है। रिलेशन या तो इनर्शियोमर्स होगा या डाइस्टीरियोमर्स होगा या ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं, और अदरवाइज दे कैन बी आइडेंटिकली, ठीक है ना। तो जरा चेक करते हैं, यहां से पहले कॉलम से शुरू करते हैं, पहले वाले से शुरू करते हैं। ए ऑप्शन में जरा देखो, ए ऑप्शन में जो इन्होंने सी एच टू बी आर एन एच टू और यहां पर सी एच थ्री और एच लिया है, इसका अगर फिशर बनवाया जाए, अगर इसका फिशर बनवाया जाए तो फिशर बनाने की टेक्निक क्या है। फिशर बनाने की टेक्निक ये है कि जो नॉर्मल लाइन वाली नॉर्मल लाइन जो है ना उसको वर्टिकल बना लो, ठीक है ना। जो नॉर्मल लाइन है उसको वर्टिकल बना लो और ऊपर जो ग्रुप दिखता है उसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। नीचे जो ग्रुप दिखता है उसको नीचे लिख दिया, आसुन भाई। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो नॉर्मल लाइन है जिसको हमने वर्टिकल बनाया है यहां पर, इस नॉर्मल लाइन पे डैश वाला लेफ्ट में दिखता है ना, तो यहां लेफ्ट में रह जाएगा, डैश वाला जिधर दिखेगा उधर रह जाएगा और वेज वाला अपोजिट साइड में जाता है। तो ये बन गया इसका फिशर। इसका आरएस निकाल लो, 1 2 3, ये एंटी क्लॉक। इसका मतलब ये जो है ना, दिस कंपाउंड इज आर, आई मीन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कायरल सेंटर इज आर। दूसरा वाला इसी का जो पेयर है वो बना लेते हैं। पेयर क्या है, सी एच टू एन एच टू, राइट, और ये ब्रोमो है, ऊपर उन्होंने एच लिया है और साइड में लिया है सी एच थ्री। आप देखें कि भले इसका फिशर हम बना लेते हैं, अभी भले हम इसका फिशर बना लें, लेकिन हमने देखा कि एक्चुअली इसमें क्या हुआ ना, इसमें क्या हुआ कि स्ट्रक्चर ही बदल गई। सी, इसमें सी एच टू बी आर था, अब इसमें सी एच टू एन एच टू है, एक्चुअली दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आंसर इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसका मतलब ए का आंसर होगा हमारे मैच में से आर शुड बी द आंसर फॉर ए। बी ऑप्शन को देख चेक कर लेते हैं जरा। बी ऑप्शन में पहला कंपाउंड है ब्रोमो, यहां पर हमने लिया है प्रोपाइल, यहां पर लिया है सी एस थ्री और ये लिया है एच, ठीक ना। अब अगर फिशर बनाए तो जो नॉर्मल लाइन वाला है उसको ऊपर और नीचे लिख दीजिए, ऊपर लिख दिया ब्रोमो, नीचे लिख दिया प्रोपाइल। लेफ्ट में हमने सी एस थ्री लिखा है क्योंकि सी एस थ्री डैश पर दिख रहा है और वो भी नॉर्मल लाइन के लेफ्ट में, एच आ जाएगा राइट में। इसका आर एस निकाल लो, इसका आर एस क्या होगा, इसका 1 2 3, यानी कि इसका आर एस होगा एस, ये एस कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड है। इसका दूसरा पेयर बनाओ, यहां सी एस थ्री और प्रोपाइल है और यहां पर ब्रोमो और यहां पर लिया है इन्होंने एच, इसका फिशर बना दो। फिशर में हम नॉर्मल लाइन वालों को ऊपर और नीचे रख देते हैं, तो ये सी एस थ्री रख लिया, यहां पर प्रोपाइल रख लिया हमने, ब्रोमो लेफ्ट में आएगा और एच राइट में आएगा, ठीक है ना। इसका आर एस निकालो, 1 2 3, ये एंटी क्लॉक है और हॉरिजॉन्टल पर अभी आर आ जाएगा। देख लो, सेम नेचर कायरल सेंटर पर रेस्पेक्टिवली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनर्शियोमर्स हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के इनर्शियोमर्स हो जाएंगे। दैट मीन्स द आंसर विल बी पी, फॉर बी ऑप्शन आंसर इज पी, ठीक है ना। सी ले लेते हैं। सी सबसे अच्छा होता है कि वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट कर ले। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। अगर आपको न्यूमैन में दिया जाए, वेज डैश में दिया जाए, सॉहर्स में दिया जाए, कोशिश करें कि सबसे पहले उसे फिशर में बदलें।
क्योंकि जब फिशर बदल जाएगा तो आरएस निकाल लेंगे, और आरएस निकाल के करना ही सबसे ज्यादा एररलेस मेथड है, ठीक है ना। इसको देखो जरा, ये सी एस थ्री है और ये एच है, इसको फिशर में बदल लेते हैं। सबसे ऊपर है ब्रोमो और सबसे नीचे है इथाइल, सबसे ऊपर है ब्रोमो और सबसे नीचे है इथाइल। और लेफ्ट में है सी एस थ्री और राइट में है एच। 1 2 3, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा एस, ठीक है ना। चलो भाई इसका पेयर देख लो, इसका पेयर है ऊपर की ओर तो है इथाइल, नीचे की ओर है ब्रोमो, डैश पर है एच और वेज पर है सी एस थ्री। जरा इसका फिशर बनवा लेते हैं। फिशर बनाओगे तो सबसे ऊपर आएगा इथाइल, सबसे नीचे आएगा ब्रोमो, लेफ्ट में आएगा एच और राइट में आएगा सी एस थ्री। 1 2 3, 1 2 3, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये भी हो जाएगा एस, ठीक है। तो ये दोनों एस निकले, दोनों सेम नेचर कायरल सेंटर पर, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइडेंटिकल, आइडेंटिकल यानी कि इसका आंसर होगा एस, ठीक है ना। एक आखिरी वाला और देख लेते हैं, यहां पर इन्होंने डैश पर लिया है एच और वेज पर लिया है NH2, ठीक है ना। और इसको अगर फिशर ना भी बनाए तो डायरेक्टली हो रहा है, जरा ध्यान से देखें, यहां पर लिया है इन्होंने डैश पर NH2 और वेज पर एच। आप देखें केवल एक सिंगल स्विच किया है, किसी भी फॉर्मूले में, किसी प्रोजेक्शन फॉर्मूले में अगर सिंगल स्विच कर दें आप और एकमात्र कायरल सेंटर हो, इफ देर इज ओनली वन कायरल सेंटर एंड यू परफॉर्म अ सिंगल स्विच, इट विल ऑलवेज बी एनांशियोमर। सो दिस पेयर इज द पेयर ऑफ एनांशियोमर्स, दैट मीन्स आंसर इज अगेन पी। तो हमने देखा कि ये जो पेयर है ये इनेंशियोमेरिक पेयर है, इसका आंसर है पी। आई एम सॉरी, दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसका आंसर है आर, हम लोगों ने सॉल्व किया है वहां पर। ये जो बी ऑप्शन में जो पेयर है ये इनेंशियोमेरिक पेयर है और इसका आंसर है पी। सी ऑप्शन में जो पेयर है ये एक्चुअली आइडेंटिकल है और इसका आंसर है एस। और डी ऑप्शन में जो पेयर है ये दे आर अगेन एनांशियोमर्स और इसका आंसर फिर से है पी। तो इसको नोट करें आप। वी आर बेसिकली लर्निंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। इसमें एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, कॉलम वन में पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैं और कॉलम टू में इसके रिलेशंस हैं, मतलब डायस्टीरोमर्स हो सकते हैं या आइडेंटिकल हो सकते हैं, इनांशियोमर्स हो सकते हैं या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं। एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले लेंगे पेयर ए। पेयर ए में इन्होंने एक साइक्लोपेंटीन रिंग बनाई, इनफैक्ट बाहर लगाया CH2OH और यहां पर लगाया एक OH, राइट। और दूसरे वाले में इसका जो दूसरा वाला कंपाउंड है जिसके बीच में रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करवाना है, इसमें OH यहां लगाया। आप देखें इन दोनों कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर का फर्क है, इसलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। एंड ऑल्सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव डिफरेंट आईयूपैक नेम्स, राइट। तो जब भी अगर हमें कोई कंफ्यूजन हो जाए कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है या नहीं है तो हमें इनकी नेमिंग कर लेनी चाहिए। तो इसका आंसर निकलेगा एस, ठीक है ना। इसकी नेमिंग करके देख लो आप, यहां से नेमिंग करके देख लो। ये एक यहां पर हाइड्रोक्सी मिथाइल है और यहां पर ये एक OH है, इसकी नंबरिंग कर लो यहां से अगर
वन टू थ्री पर है, ये वन टू थ्री पर इधर से है ये, और क्या नाम है डबल बॉन्ड दूसरी ओर चला जाता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर में फर्क है इसलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन देख लो, बी ऑप्शन देख लो, बी ऑप्शन में इन्होंने कहा है कि ये जो है पहला वाला जो कंपाउंड है उसको न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में इन्होंने बनाकर बताया है, ठीक है। तो ऊपर की ओर है सी एस थ्री, फ्रंट कार्बन पे राइट में बी आर है, लेफ्ट में एच है, रियर कार्बन जिसको मैं ब्लू से शो कर रहा हूं उसमें नीचे की ओर है सी एच टू ओ एच, और इधर की ओर है एच, और इधर की ओर है ब्रोम। अगर इस तरह के किसी स्टेगर्ड न्यूमैन को डायरेक्ट फिशर में कन्वर्ट करना हो तो थ्योरेटिकली ये गलत है, क्योंकि जो फिशर है वो बाय डिफॉल्ट एक एक्लिप्स न्यूमैन होता है, लेकिन टेक्निकली हम कर सकते हैं। कैसे, दो आप पहले दो क्रॉस बनाएं, क्योंकि दो कार्बन है, एक फ्रंट पर है एक रियर पर है, ठीक है ना। सबसे ऊपर वाले कार्बनों के जो ग्रुप्स हैं उनको जैसे वो दिखाई पड़ते हैं वैसे लिखते हैं, जैसे आप देखें सी एस थ्री ऊपर दिखता है, बी आर राइट में दिखता है, एच लेफ्ट में दिखता है, हमने यहां लिख दिया। सबसे नीचे जो दिखता है, जो सबसे नीचे दिखता है उसको सबसे नीचे लिख लें, लेकिन क्योंकि ये स्टेगर्ड है तो रियर कार्बन के ऊपर जो राइट में दिखता है उसको यहां लेफ्ट में लिखें, और जो लेफ्ट में दिखता है उसको यहां राइट में लिखें। ये एक स्विच आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कायदे से इसको रोटेट करके एक्लिप्स बनाना चाहिए था, फिर न्यूमैन बनाना, फिर फिशर बनाना चाहिए था। फिशर इज बाय डिफॉल्ट एन एक्लिप्स न्यूमैन, तो आपने जो रोटेट करके इसको एक्लिप्स नहीं बनाया उसके कंपनसेशन के तौर पर रियर कार्बन पर एक स्विच करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक स्विच कर दिया यहां पर, इसका आरएस और निकाल लो, दिस इज वन टू थ्री, तो ये हो जाएगा एस, दिस इज वन टू थ्री, तो ये एंटी क्लॉक है, ये हो जाएगा आर, ठीक है। अब इसका जो दूसरा कंपाउंड है वो उन्होंने 100 हॉर्स में दिया हुआ है, 100 हॉर्स में दिया हुआ है, फ्रंट कार्बन पर सी एस थ्री वर्टिकली अप, बी आर लेफ्ट में दिख रहा है और एच राइट में दिख रहा है, रियर कार्बन पर सी एस टू ओ एच वर्टिकली डाउन दिख रहा है और एच लेफ्ट में दिख रहा है और बी आर राइट में दिख रहा है, ठीक है ना। ये दूसरा वाला कंपाउंड है, इसका अगर हम न्यूमैन बना लें तो देखो इसका न्यूमैन हम कैसे बना सकते हैं। ये रियर कार्बन बना दिया पहले, फ्रंट कार्बन इसके सामने है, रियर कार्बन दिख नहीं रहा है इसलिए उसका इफेक्टिव एरिया कुछ ऐसा है, हम बना लेते हैं। फ्रंट कार्बन पर सबसे ऊपर दिख रहा है सी एस थ्री, राइट में दिख रहा है एच और लेफ्ट में दिख रहा है ब्रोमो, ठीक ना। रियर कार्बन पर सबसे नीचे दिख रहा है सी एस टू ओ एच, ठीक है ना, राइट में दिख रहा है ब्रोमो और लेफ्ट में दिख रहा है एच। इसका भी फिशर बनवा लो, फिशर फॉर्मूले में सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, फिशर बना लो। सबसे ऊपर सी एस थ्री, राइट में एच, लेफ्ट में बी आर, सबसे नीचे सी एच टू ओ एच, और अब रियर कार्बन पर एक स्विच मारना, तो एच इधर बी आर इधर, देख लो। इसका आर एस निकाल के देख लो, ये कार्बन आर है और ये कार्बन एस है, देखो दोनों सेम नेचर कार्बन सेंटर्स पर रिस्पेक्टिवली कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है, ये देख लो। ऊपर वाला वहां एस और आर है, नीचे वाला है, और यहां पर ऊपर वाला आर है और नीचे वाला एस है। व्हेन रिस्पेक्टिवली सेम नेचर कार्बन सेंटर्स विल हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एंड द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव देन दे आर इनांशियोमर्स। सो बेसिकली दिस इज इनांशियोमेरिक पेयर, ठीक है ना। तो आंसर फॉर बी ऑप्शन विल बी आर, ठीक है। सी ऑप्शन में देख लो, सी ऑप्शन में इन्होंने पहला कंपाउंड बनाया है 100 हर्ट्ज में, 100 हर्ट्ज में ये वर्टिकली अप है, यहां सी एस थ्री है, यहां सी एल है, और रियर कार्बन पर एच इधर लिया, सी ओ ओ एच इधर लिया और सी एल लिया है वर्टिकली डाउन। इसका न्यूमैन बनाओ पहले, पहले इसका न्यूमैन बनाओ। न्यूमैन में हम क्या करते हैं, बस इस कार्बन को, ये कार्बन ऐसे दिख रहा है ना, इस कार्बन को सीधा कर लेते हैं, ये कार्बन जो ऐसे दिख रहा है इसको सीधा कर लेते हैं। तो सीधा कर लिया तो फ्रंट पे क्या दिख रहा है हमें,
फ्रंट पे हमें तीन ग्रुप्स दिख रहा है, ऊपर H, राइट में Cl, लेफ्ट में CH3। और रियर पे क्या दिख रहा है साहब? रियर पे नीचे Cl दिख रहा है, राइट में COOH दिख रहा है और लेफ्ट में H दिख रहा है। अब इसका फिशर बना लो। फिशर बनाने के लिए हमने दो क्रॉस बना दिए, सबसे ऊपर H, ऊपर राइट में Cl, और ये फ्रंट कार्बन की सिचुएशन है और रियर कार्बन में ये Cl है, और रियर कार्बन पे एक स्विच मारते हैं, ये बन गया फिशर, ठीक है ना। इसका RH निकाल लो बच्चे, इसका RH होगा 1, 2, 3, तो ऊपर वाला तो हो जाएगा क्लॉकवाइज, यानी कि R, ऊपर वाला R हो गया। नीचे निकाल लो 1, 2, 3, ये एंटी क्लॉक रोटेशन है और हॉरिजॉन्टल, तो ये RR निकल जाएगा, RR, ठीक है ना। इसका जरा दूसरा कंपाउंड देखो, दूसरा इन्होंने डायरेक्टली फिशर में दे रखा है, दूसरे को डायरेक्टली फिशर में दे रखा है। यहां COOH बना दिया, यहां H है, यहां Cl है, यहां Cl है और यहां पर H है। निकालो कॉन्फ़िगरेशन 1, 2, 3, ऊपर वाला निकलेगा R, एंटी क्लॉक रोटेशन है तो R निकलेगा। तो नीचे 1, 2, 3, ये भी R निकलेगा। देख लो करस्पॉन्डिंग सेम नेचर कायरल सेंटर पर सेम कॉन्फ़िगरेशन भी है, इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है, ये आइडेंटिकल कंपाउंड्स है, आइडेंटिकल कंपाउंड्स। दैट मींस द आंसर फॉर ऑप्शन सी इज क्यू, ठीक है ना। एक आखिरी वाला और देख लो, डी ऑप्शन में दोनों को सॉहर्स में बनाया इन्होंने। पहला वाला ऐसे बनाया H वर्टिकली अप, और यहां पर CH3 और यहां पर इथाइल लिया है, रियर कार्बन पर इथाइल वर्टिकली डाउन है, और यहां लिया है H और यहां लिया है CHO। पहले इसका न्यूमैन बना लेते हैं। न्यूमैन में रियर कार्बन को ब्लू से शो कर रहा हूं, सॉहर्स में भी ब्लू से शो किया है मैंने। फ्रंट कार्बन पर H ऊपर, इथाइल इधर और मिथाइल इधर, रियर कार्बन पर इथाइल नीचे और CHO राइट में और H लेफ्ट में। इसका फिशर बनवाओ, बनवाओ इसका फिशर। दो कायरल सेंटर ले लेते हैं, सबसे ऊपर होगा H, राइट में इथाइल, लेफ्ट में मिथाइल, सबसे नीचे होगा इथाइल, और रियर कार्बन पर एक स्विच करते हैं ताकि कंपनसेट हो जाए, रोटेशन नहीं किया उसके बदले में। तो अब आप देखो जरा इसका RS निकाल के देख लो, अपर कायरल सेंटर पे पहले RS निकालते हैं, तो 1, 2, 3, ये एंटी क्लॉक, तो ये हो जाएगा S, और लोअर कार्बन पे निकाल लेते हैं 1, 2, 1 मिनट जरा लोअर कार्बन का निकाल लेते हैं, लोअर कार्बन का एक रफ कर लेते हैं। CHO है, यहाँ पर दो कार्बन है, यहाँ पर तीन कार्बन है और एक H है, ठीक है ना, और ये H है, तो 1 तो सीनियर मोस्ट ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, और ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल पर क्लॉकवाइज ये SS निकलेगा, ठीक है ना, ये SS निकला, दिस इज SS। जब कभी आपको डायरेक्ट फिशर वाले में RS निकालने में दिक्कत हो ना, तो कायरल सेंटर को बाहर निकाल के एक रफ वर्क कर लीजिए, ठीक है ना, और उस समय पूरा जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी ट्रीटेड लाइक अ ग्रुप, ठीक है। चलो दूसरा वाला कर लेते हैं। दूसरे वाले में इन्होंने इथाइल को वर्टिकली अपसाइड लिया है, ठीक है ना, और इधर लिया है CH3, इधर लिया है H, ये दूसरा वाला है, और इथाइल को यहाँ वर्टिकली डाउन साइड लिया है, और इधर लिया है H, और इधर लिया है CHO रियर पर। इसका पहले न्यूमैन बनाते हैं। न्यूमैन में फ्रंट वाला सबसे ऊपर है इथाइल, H और मिथाइल, और इसमें इथाइल सबसे नीचे है, यह इथाइल, और यहाँ है CHO और यहाँ है H। चलो इसका फिशर बनवा लो ताकि RS निकाला जा सके।
सबसे ऊपर है इथाइल एच और मिथाइल, सबसे नीचे है इथाइल और एक स्विच मार के सी एच ओ और एच। अब निकाल लेते हैं आर एस इसका, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका आर एस, 1 2 3, ये एंटी क्लॉक है तो आर आ जाएगा ये, और ये 1 2 3, ये क्लॉक वाइज है तो एस आ जाएगा ये। तो आप देखें, एक में कन्फिग्रेशन आया है एस एस और एक में कन्फिग्रेशन आया आर एस। तो जब ये आइडेंटिकल भी ना हो और जब ये इनशियोमर्स भी ना हो तब ये होते हैं डायस्टीरियोमर्स, ठीक है ना। यानी कि आखिरी वाले पेयर का आंसर होगा पी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन में, हमने देखा कि ये जो पहला पेयर है ये है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का और इसका आंसर है एस। जो दूसरा पेयर है ये इनशियोमर्स का पेयर है, हम लोगों ने सॉल्व किया है वहां पर, ये इनशियोमर्स का पेयर है और इसका आंसर है आर। ये जो थर्ड पेयर है सी ऑप्शन वाला जो पेयर है ना, सी ऑप्शन वाला जो पेयर है ये आइडेंटिकल का पेयर है और इसका आंसर है क्यू। एंड द लास्ट पेयर ऑफ कंपाउंड, लास्ट पेयर ऑफ कंपाउंड इज बेसिकली द पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स एंड द आंसर फॉर दिस पेयर इज पी। अब आप नोट करें।